नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोणों में क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत और तंत्र उपागम दृष्टिकोण दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन स्टीफेन बी जोन्स ने किया, जिसका प्रकाशन 1954 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद की पत्रिका में हुआ। यह राजनीतिक भूगोल में नवीन सिद्धांत है, अतः इसका समुचित अध्ययन अपेक्षित है। जोन्स ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का नामकरण यूनिफाइड फील्ड, जिसका हिंदी रूपांतर अर्थ की दृष्टि से क्षेत्र एकरूपता में किया, भौतिक विशेषताओं के आधार पर नहीं किया गया, अपितु यह विशेषण इसलिए प्रयुक्त किया गया क्योंकि इसमें तीन भूगोलवेत्ता डेरवेंट लेसी, रिचर्ड हार्डसन और जीन गॉटमैन के विचार सम्मिलित हैं। उपयुक्त भूगोलवेत्ताओं से लेकर जोन्स ने क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत की व्याख्या विचार क्षेत्र श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया। इस श्रृंखला में विचार और राज्य दो सिरे हैं। उनका कहना है कि इस श्रृंखला में लोहे की चैन नहीं मानना चाहिए जिसमें की कड़ियाँ अलग अलग होती हैं, अपितु यह श्रृंखला झील अथवा बेसिन की है जो एक तल पर मिली रहती हैं, जिससे एक का जल दूसरे में जाता है। क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत की श्रृंखला इसी प्रकार है। राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। सर्वप्रथम राज्य के उद्भव का विचार मानव में आता है। जैसा कि कहा जाता है, युद्ध सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में प्रारंभ होता है, उसी प्रकार राज्य का विचार आता है। उपयुक्त विचार को समर्थन प्राप्त होते ही क्रिया एक्शन प्रारंभ हो जाता है। यह गति मूवमेंट गॉटमैन द्वारा प्रतिपादित परिवहन ही है। कुछ निर्णय गति में वृद्धि करते हैं, कुछ रोकते हैं, कुछ दिशा परिवर्तन करते हैं। ये गति मनुष्यों अथवा वस्तुओं की हो सकती है अथवा केवल मात्र रेडियो तरंगों तक ही सीमित रह सकती है। गति के लिए क्षेत्र अपेक्षित है। क्षेत्र शब्द का प्रयोग समय व स्थान के संदर्भ में किया गया है। जैसा कि इटली ने कहा है कि इसका समय विस्तार क्षेत्र विस्तार होता है। यही क्षेत्र अंत में राजनीतिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्र के रूप में नजर आता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जोन्स ने उदाहरण दिया कि यहूदी धर्म एक विचार, बेलफोर घोषणा पत्र एक निर्णय, स्थानांतरण अन्य गतिशीलता, शासन एवं अन्य क्रियाओं का स्थल इजराइल जो राज्य के रूप में आ गया। यद्यपि इस द्रुत गति से राज्य निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना इतिहास को साधारण रूप में व्यक्त करना है, किंतु यह सत्य है ये सिद्धांत एक रास्ता है भौगोलिक एवं राजनीतिक अध्ययन का। यद्यपि यह राजनीतिक भूगोल को पांच सरल क्रम में विभक्त नहीं कर सकता, अपितु इसके लिए अत्यधिक ऐतिहासिक राजनीतिक भौगोलिक सूचनाओं का होना आवश्यक है जिसके आधार पर अध्ययन किया जा सके। प्रोफेसर जोन्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय शक्ति, सीमा, राजधानी आदि का अध्ययन भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है जो सिद्धांत का अंग है। इसी प्रकार सीमाएं दो राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य रेखा होती हैं। सीमा परिवहन को सीमित करती हैं। सीमा क्षेत्र कभी कभी अंतस्थ राज्य बफर स्टेट का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार राजधानी के चुनाव के लिए अनेक विचार करने होते हैं तथा परिवहन एवं संचार के साधन उनको अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक संयुक्त करते हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता के संबंध में स्वयं जोन्स ने अपने प्रपत्र के अंत में व्यक्त किया कि इसको सिद्धांत मानने के लिए सहज तैयार नहीं होंगे। उनका विचार है कि ये राजनीतिक भूगोल के उद्देश्यों एवं विधियों में व्याप्त विविधताओं को समाप्त कर उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। यह संरचना कार्य प्रदेश प्रक्रिया को संयुक्त करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त यह राजनीतिक भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र में एकता स्थापित करने में समर्थ होगा। इसकी सहायता से भूगोलवेत्ता नवीन प्रकार के मानचित्रों का निर्माण कर सकेंगे। यही नहीं अपितु इसके आधार पर सामरिक तथा अन्य राजनीतिक विचार
करने में सहायता मिलेगी। अंत में जोन्स के शब्दों में यह सिद्धांत गहन अंधकार में तनिक रोशनी दे सकता है। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत द्वारा बांग्लादेश का उद्भव एवं विश्लेषण। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप जोन्स ने इजराइल राज्य के उद्भव को स्पष्ट किया। इसी सिद्धांत के संदर्भ में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव को सक्सेना ने विस्तार से स्पष्ट किया। इसका संक्षिप्त विवेचन उपयोग सिद्धांत को स्पष्ट रूप में समझने में अपेक्षित है। राजनीतिक विचार। बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार अति महत्वपूर्ण रहा। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश कूटनीति से हो गया था, जबकि पाकिस्तान को पूर्वी एवं पश्चिम भागों के रूप में अस्तित्व में लाया गया, जो अव्यवहारिक था। इन दोनों देशों में धर्म को एकता थी, अन्यथा ये एक अभौतिक, क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन में स्थित हैं। प्रथम बांग्लादेश के राज्य विचार के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी थे। नंबर एक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान के 24 वर्षों का इतिहास दोनों भागों में संघर्ष का इतिहास रहा है। बंगाली मुसलमानों को सदैव दबाया जाता रहा है तथा उनका शोषण किया जाता रहा है। पश्चिम पाकिस्तान सदैव प्रशासन का आधार व केंद्र रहा है। प्रशासनिक सेवाओं, सेना आदि में पश्चिम में अधिक प्रतिनिधित्व था। धर्म यद्यपि दोनों भागों में समान था, किंतु भाषा में भिन्नता थी। जबकि उर्दू को राजभाषा बनाया गया, बंगाली भाषा के लिए संघर्ष किया गया। नंबर दो, प्राकृतिक तत्व। भौगोलिक या प्राकृतिक तत्व भी पृथक बांग्लादेश राज्य विचार के लिए उत्तरदायी रहे। राज्य की स्थिति एवं आकार में इसी प्रमुख भूमिका रही है। यह एक विभक्त राज्य था तथा दोनों भागों के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था। दोनों भागों की जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि में भिन्नता थी। राज्य की राजधानी भी पश्चिम में स्थित थी। नंबर तीन, आर्थिक तत्व। पश्चिम एवं पूर्व की आर्थिक भिन्नता एवं पश्चिम का पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना तथा सदैव उसका शोषण करना बांग्लादेश पृथक राज्य के लिए विचार के लिए उत्तरदायी था। योजना में अधिकांश विकास कार्य पश्चिम के लिए गए, जबकि आय की उपलब्धि पूर्व से अधिक होती थी। तो ये चाहे प्राकृतिक है, आर्थिक है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। निर्णय सिद्धांत के दूसरे चरण में अलग राज्य का निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में अवामी लीग बांग्लादेश की उस समय की प्रमुख पार्टी का 6 सूत्रीय कार्यक्रम था। वह इस प्रकार से थे। पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए तथा विधान परिषद का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। संघीय विषय केवल सुरक्षा विदेश नीति तक ही सीमित होनी चाहिए। दोनों भागों के लिए अलग मुद्रा होनी चाहिए जिसे आसानी से बदला जा सके। टैक्स लगाने और राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। पूर्व एवं पश्चिम के लिए पृथक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए तथा दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना, नौसेना आदि का केंद्र पूर्व में भी होना चाहिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर दिसंबर 1970 में जब आवामी लीग ने चुनाव लड़ा तो उसको भारी बहुमत मिला और अंत में बांग्लादेश के उद्भव का कारण बना। गति। निर्णय के क्रियान्वित हेतु गतिशीलता आवश्यक है। बांग्लादेश में ये गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतरण, एक आक्रमण, नागरिक जनसंख्या का शरणार्थियों के रूप में भारत आना, पुनः स्वतंत्र बनने पर वापस जाना सम्मिलित है। मुक्ति वाहिनी सेना तथा भारतीय सेना के सम्मिलित प्रयासों से 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सेना से ने आत्मसमर्पण किया था। क्षेत्र सेना नागरिकों की गतिशीलता विचारों को एक क्षेत्र विकसित किया। यह सब क्रिया पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। इस प्रकार विचार क्षेत्र का विकास रेडियो एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ, फलस्वरूप बांग्लादेश का क्रमिक मान्यता प्राप्त हुई। ये एक हकीकत है, संपूर्ण विश्व इसका साक्षी है। राजनीतिक क्षेत्र पॉलिटिकल एरिया। सिद्धांत के अंत में चरण में बांग्लादेश का नवीन राज्य के रूप में उद्भव हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 1,42,849.94 वर्ग किलोमीटर है। इस सिद्धांत में व्याख्या ये उदाहरण परमावश्यक के लिए संक्षेप में कहा जा सकता है। एन एप्लीकेशन ऑफ यूनिफाइड फील्ड टू एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश इज ब्रीफ इन फेयरली सिंपल एक्सप्लोरेशन ऑफ ईस्ट विंग क्रिएटेड आइडिया द चार्टर ऑफ ऑटोनोमी एज डिसीजन फॉलोड बाई मूवमेंट द टेरिटरी ऑफ ईस्ट वाज फील्ड और एक्स
एक्टिविटी एंड वार लीड्स द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। तो ये आपका था क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत। यदि यहाँ पर क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, दो दो जगह स्थान है, तो उसको अलग राज्य बनने के लिए इसको प्रेरित किया। अगला जो सिद्धांत आता है तंत्र उपागम सिस्टम एनालिसिस, तंत्र उपागम दृष्टिकोण, द सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तंत्र उपागम अर्थात सिस्टम अप्रोच अध्ययन की एक विधा है जिसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से निरूपण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल में इस पद्धति का उपयोग किया जाने लगा है। इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, ए सिस्टम कंप्राइज इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड प्रोसेस द इंटरेक्शन ऑन विच द रिलेशनशिप रेस्ट। इसे तंत्र उपागम दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न तत्व होते हैं जो आपसी संबंध एवं क्रियाओं पर वास्तविक संबंध निर्भर करते हैं। तंत्र की रूपरेखा पर्यावरण के अंतर्गत अन्य तत्वों के संबंध के फलस्वरूप होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आवरक तंत्र क्लोज सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें उपतंत्र सब सिस्टम होते हैं जो बृहतंत्र के भाग होते हैं। इन उपतंत्रों को अभिनेता की संख्या दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के अभिनेता राज्य हैं, यद्यपि अन्य अभिनेता अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुदाय आदि हैं। इस प्रकार का क्षेत्रीय तंत्र रीजनल सिस्टम भी विकसित होते हैं, जैसे यूरोपीय साझा बाजार आदि। अभिनेता के साथ ही तंत्र में संरचनात्मक अवयव होते हैं तथा इनमें क्रियात्मक संबंध होता है, जिसे क्रिया कहा जाता है। वह क्रिया किसी संदर्भ में होती है, जैसे आर्थिक सामाजिक आदि। अभिनेता क्रिया तथा संदर्भ में स्वतंत्र तथ्य होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्भर तथ्य होते हैं, जैसे शक्ति संगठन, स्थायित्व, तंत्र परिवर्तन आदि। तंत्र उपागम का एक पद्धति श्रृंखला है जिसमें एक और तत्व प्रवेश इनपुट होता है और दूसरी तत्व निष्कासन आउटपुट होता है। अवरोधक के अंतर्गत एक इकाई दूसरी इकाई के में प्रत्यक्ष योग देती है, जैसा कि सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप के आर्थिक विकास में योग। प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला में निष्कर्ष के लिए उत्तरदायी प्रवेश तथा दूसरी इकाई से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण की योजना बनाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक श्रृंखला में एक इकाई की क्रिया दूसरी में प्रतिस्पर्धा जागृत करती है। संयुक्त राज्य का चंद्रमा पर मानव धारणा और सोवियत संघ पर प्रभाव रहेगा। राज्यों के आंतरिक बाह्य अध्ययन का तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करने से उपयुक्त दृष्टिकोण उपयोगी है। राज्य एक प्रशासनिक इकाई है जिसका एक संगठनात्मक स्वरूप होता है। सीमाएं कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। ये सदैव अपनी जनसंख्या की मांग और पूर्ति के लिए तथा विकास हेतु अनेक कार्य करता है। इनका संबंध राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास से होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाता है, राज्यों को एक शक्तिशाली रूप में बनाने का प्रयत्न करता है। पर्यावरण के तत्वों का भी राज्य के विकास में योग होता है। तंत्र उपागम का स्वरूप कोहेन और रोसेनथल ने निम्न आरेखों के माध्यम से स्पष्ट किया है। ये राजनीतिक शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, इसमें आपका स्थल क्षेत्र, इधर आपकी शक्तियों में निवासियों का वैचारिक स्वरूप, प्रशासनिक केंद्रों का प्रधानकर्म, स्थान का राजनीतिक अवबोध, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, उपनिवेशवाद, संघवाद, पृथकतावाद, अंतर प्रक्रम संगठन एवं एकाग्रता, क्षेत्र निर्धारण में अंतर क्षेत्र संबंध, क्षेत्रीयता, भूमि व्यवस्था का स्वरूप और भूदृश्य परिवर्तन। तो ये डायग्राम के द्वारा राजनीतिक शक्तियों को समझाया गया है। राजनीतिक व्यवस्था का भौगोलिक स्थल मानव की राजनीतिक भूमिका के विविध स्वरूपों को उपयुक्त मॉडलों से प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य अपनी राजनीतिक भूमिका वैचारिक संगठनात्मक प्रक्रिया के अंतर संबंध से भौगोलिक स्थल क्षेत्र सामान्य भूदृश्य का राजनीतिक स्वरूप उभर कर आता है। ये सभी तत्व अंतर संबंधित एवं अंतर प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देते हैं, जिसे अग्ररेखा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक मॉडल व्यवस्था, मनुष्य, सामाजिक शक्तियाँ, राजनीतिक वैचारिक, राजनीतिक संरचना, आंतरिक एवं बाह्य संगठन, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक अवबोध, राजनीतिक क्रिया क्षेत्र, स्थान, राजनीतिक एवं क्षेत्र का बनना, भूदृश्य और क्षेत्रीयता।
उपरोक्त आरेख में राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है जो मानव एवं उनके क्षेत्र के विभिन्न स्वरूपों को व्यक्त करता है। ये राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की राजनीतिक अवस्था एवं पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करता है। राजनीतिक भूगोल कोई नया विषय नहीं है, भूगोल की कोई नवीन शाखा नहीं है। कांट ने 1756 में लिखा था कि राजनीतिक भूगोल राज्यों के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। इसके पश्चात तो वर्तमान काल तक विश्व के अनेक विद्वानों ने भूगोल की इस अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील शाखा के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया। इसे परिभाषित करने, इसके क्षेत्र का निर्धारण करने, इसका अन्य विज्ञानों से संबंध, इसकी विकास यात्रा, इसकी विषय सामग्री, इसके मूलभूत तत्व, शासन पद्धतियाँ, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण आदि विषयों पर सैकड़ों विद्वानों ने शोध कार्य किए, अपने मौलिक विचार प्रकट किए। इसमें भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ राजनीतिक वैज्ञानिक, इतिहासकार, राजनेता और अन्य मानव शास्त्रियों का योगदान रहा है। अब तक के अध्ययनों के आधार पर राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में 6 दृष्टिकोण, शक्ति विश्लेषण, ऐतिहासिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक, क्षेत्रीय एकरूपता, सिद्धांत, तंत्र उपागम दृष्टिकोण प्रकाशन में आए हैं। इन सभी का अध्ययन दृष्टिकोण के निर्माण एवं विकास में रिचर्ड हार्डसन, स्टीफन बी जोन्स, ई मूडी, कोहेन, एस वी जोन्स आदि भूगोलवेत्ताओं एवं राजनीतिक विद्वानों का योगदान रहा है। इनमें 1950 में रिचर्ड हार्डसन का कार्य संबंधित दृष्टिकोण और 1954 में एस वी जोन्स का क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत मील के पत्थर हैं। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत में डेरवेंट लिप्सी, रिचर्ड हार्डसन, जीन गॉटमैन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत और तंत्र उपागम दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।